हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अनु। आप देख रहे हैं अनुज रेसिपीज। फ्रेंड्स, आज हम लोग अनार का जूस बनाएंगे, लेकिन इस जूस को बनाने के लिए हम ना तो मिक्सी का यूज़ करेंगे ना ही जूसर का यूज़ करेंगे। बहुत ही आसान तरीके से इसको बनाएंगे और सिर्फ 5 मिनट में ये जूस बन करके तैयार हो जाएगा। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही हेल्दी और बहुत ही ज़्यादा जल्दी ये बन करके तैयार हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जूस बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक बोल भर करके अनार के दाने लिए हैं। आपको जितने अनार के जितने जूस निकालना हो अनार का, उतने आप अनार छील करके निकाल लें। अगर कुछ छिलके इसमें रह जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद मैंने यहाँ पर एक पॉलीथीन ली है। एक्चुअली हमें 2 पॉलीथीन की ज़रूरत है। बिल्कुल सिंपल वाली पॉलीथीन मैंने यहाँ पर ली है। अगर आप चाहें तो आप जिपर बॉक्स इसके लिए ले सकते हैं। मैंने बिल्कुल सिंपल वाली पॉलीथीन दिखाई है ताकि वो सबके पास अवेलेबल होती है। अभी अनार के दानों को हम इस पॉलीथीन के अंदर भर लेंगे। सारे अनार के दाने हम इसमें डाल लेंगे। देखिए, अनार के दानों को मैंने इस पॉलीथीन में भर लिया है। अब हम इसमें अच्छी तरह से इसको टाई करेंगे, इसमें गांठ लगाएंगे ताकि जो अनार का जूस हम बनाएंगे वो बाहर ना निकले। तो इस तरह से नीचे से दबाते हुए हम हवा को बाहर निकाल देंगे, क्योंकि जब हम इस तरह से गांठ लगाते हैं तो अंदर हवा भर जाती है। इस तरह से दबाते हुए हम सारी हवा बाहर निकाल लेंगे और इसको अच्छी तरह से हम गांठ लगा देंगे। इसके बाद में हम एक और पॉलीथीन लेंगे। बिल्कुल वैसे ही सिंपल एक पॉलीथीन मैंने ली है। इसको इसके अंदर रखेंगे हम। ये सिर्फ सेफ्टी के लिए है कि अगर जूस इसमें से बाहर निकले, बाई चांस अगर ये थैली फट जाए तो जूस बाहर निकल के ना आए, इसलिए हमने दूसरी पॉलीथीन ला ली है। उसी तरह से उसमें से भी हम हवा निकाल करके डबल गांठ लगा देंगे। सारे अनार के दानों को हम अच्छी तरह से इस तरह से फैला लेंगे अंदर की तरफ। देखिए, सारे अनार के दाने हमने इस तरह से फैला दिए हैं। अब इसके बाद में हम लोग यहाँ पर एक बेलन का यूज़ कर रहे हैं, जिससे हम रोटी बनाते हैं वो बेलन हमने यूज़ किया है। और बेलन से हम इसको देखिए इस तरीके से हम दबाते हुए इसको बेलेंगे, जैसे हम चपाती बेलते हैं ना, बिल्कुल वही काम हमें करना है। बिल्कुल चपाती की तरह हमें बेलते हुए सारे अनार के दानों को अच्छी तरह से फोड़ लेना है पॉलीथीन के अंदर। इसलिए जितने अनार के दाने इजीली आ सकें उतने ही आप एक बार में डालें। और डबल पॉलीथीन आप ज़रूर यूज़ करें फ्रेंड्स, क्योंकि अगर बाई चांस अगर अंदर की थैली फट जाती है तो जूस हमारा वेस्ट नहीं होगा, निकल के बाहर नहीं आएगा। इसलिए डबल पॉलीथीन का आप यूज़ करें। और इस तरह से दबाते हुए देखिए मैं किस तरह से चारों तरफ से दबाते हुए सारे अनार के दानों को फोड़ लूँगी इससे, और बहुत ही आसानी से ये फूट जाते हैं। ज़्यादा इसमें प्रेशर लगाने की ज़रूरत भी नहीं है, ज़्यादा ताकत की ज़रूरत नहीं है, और बहुत ही जल्दी बन करके तैयार हो जाएगा। ना हमें मिक्सी का झंझट है इसमें, ना जूसर लगाना है कि इसको साफ़ करना पड़ेगा, बहुत आसानी से बन जाएगा ये। देखिए, सारा जूस मैंने स्क्वीज़ कर लिया है इस तरह से दबाते हुए। देखिए, इस तरह से दबाते हुए हम सारा जूस को स्क्वीज़ कर लेंगे। ये देखिए, सारा जूस निकल गया है, आपको दिख रहा होगा। इसमें से सारा जूस हमने स्क्वीज़ कर लिया है। अब एक बोल में मैंने एक बोल में मैंने स्ट्रेनर लिया है, जूस स्ट्रेनर। उसमें हम इस पॉलीथीन को खोल करके और इसके अंदर हम अपना सारा जूस स्ट्रेन कर लेंगे इससे। आप चाहें तो अगर आपको ऐसे दिक्कत आए तो आप पहले इसको एक बोल में निकाल लीजिए सारे जूस को, और उसके बाद में आप स्ट्रेन कर लीजिए, जैसे भी आपको ठीक लगे। देखिए, सारा जूस निकल के इसमें पॉलीथीन में इकट्ठा हो गया है। अब हम इस पॉलीथीन को अंदर से खोल लेंगे। और इस जूस को हम स्ट्रेनर में ही निकाल रहे हैं, डायरेक्ट इसको स्ट्रेन कर लेते हैं। देखिए, बहुत ही आसान तरीका, कितनी जल्दी हमने बना लिया। और इसमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है हमें किसी और चीज़ की, जूसर की या किसी भी चीज़ की हमें ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पर बहुत ही आसानी से बन जाता है ये जूस। ये देखिए, अब हम जो बचा हुआ जूस है उसको भी स्ट्रेन कर लेंगे। इसमें से मैंने 2 बड़े चम्मच इसमें पानी डाला है ताकि जो भी अंदर जूस रह गया है वो निकल जाएगा। इस तरह से दबा दबा कर हमने सारा जूस निकाल लिया है फ्रेंड्स। और ये जो जूस के ये जो अनार के दाने हैं इनमें बिल्कुल भी जूस नहीं है फ्रेंड। देखिए, किसी में भी सारे अनार के दाने अच्छी तरह से फूट चुके हैं और ये सारा जूस हमारे पास नीचे इकट्ठा होकर के तैयार हो गया है। कितनी आसानी से हमने इसको बना लिया है। अब हम एक ग्लास में इसको पोर कर लेंगे। ये मैंने एक ग्लास लिया है, इसमें हम पोर कर लेंगे। देखिए, कितना सुंदर लग रहा है ये, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और बिल्कुल प्योर है। मतलब बाहर का जो हम जूस पीते हैं उसका हम कोई गारंटी नहीं है कि वो प्योर होता है या नहीं होता है। इसको मैं एक नींबू की स्लाइस से सर्व कर रही हूँ, नींबू की स्लाइस के साथ में। ये देखिए, कितनी जल्दी, कितना अच्छा हमारा अनार का जूस तैयार हो गया है बिना मिक्सी के। इसमें हमने ना तो किसी मिक्सी का यूज़ किया है, ना ही किसी हमने जूसर का यूज़ किया है। कितनी आसानी से, कितने यूनिक तरीके से हमने इसको बनाया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें,
ऐसी अच्छी अच्छी यूनिक रेसिपीज़ मैं आपके लिए हमेशा लाती रहूँगी। और प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। फिर से मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।